चार वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये चार शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक हो जाए। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। महंगे कपड़े आपके बदन को तो ढक सकते हैं, लेकिन आपकी सस्ती सोच को छिपा नहीं सकते। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वो सोचने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं, चाहे वो प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करूं, कोई नहीं कहेगा थक गए हूं, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, ना वो उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। चालाकियां करने नहीं आती तो क्या, समझने में तो आती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। अब शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है। शोक से निकालिए नुक्श मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझमें रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब, नतीजा ये आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जीवन में तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर ले ये बस निंदा ही करेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी ना खराब हो। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय
एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। मिट्टी की मूर्तियों का मेला लगा है दुनिया में, आंखें तलाश कर रही है सच्चे दिल इंसान को। धोखा खाने वाला उतना नहीं गंवाता जितना धोखा देने वाला गंवा लेता है। अगर कोई साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता है। रिश्तों की दुनिया में हम जरा कच्चे निकले, लोग खेलते रहे और हम निभाते रहे। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। जिंदगी में किसी को इतना भी पसंद ना कीजिए कि वो हमारी खुशी और हंसी दोनों ही छीन ले। जहर दे दो सीधा सीधा किसी को, पर झूठी बात, भरोसा, कसम और आस मत दो। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर था और सबरी दलित होकर भी देवी। इंसान अपने कर्मों से महान बनते हैं, जाति और धर्म से नहीं। खुद का वजूद भी जरूरी है जनाब, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। एक ट्रक के पीछे एक बड़ी अच्छी बात लिखी, जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहो। बहुत ही सीधा सा परिचय है जिंदगी का, आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। मुझे किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लोग तो मुझे मुफ्त में दे जाते हैं। गलत फहमी बहुत थी कि अपने बहुत हैं। मुड़कर पीछे देखा तो एक साया ही हम सफर पाया। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। परिस्थितियों के अनुसार सब चीजें सुंदर हैं। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी करते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, वो किसी दूसरे को भी मत दो। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। नमक की तरह हो गई है जिंदगी, लोग स्वादानुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। किसी को अगर आप ज्यादा भाव दोगे, वो आपकी भावनाएं रद्दी के भाव बेच देगा, तो उतना ही लुटाओ खुद को कि समेटने में दिक्कत ना हो। जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही, बात ना होना भी चुभता है बहुत। काश जिंदगी की परेशानियां भी व्हाट्सएप स्टेटस जैसी होती, 24 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाती। जो भी आता है एक नई चोट देकर चला जाता है। माना मजबूत हूं मैं, लेकिन पत्थर तो नहीं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो
सब बड़ी बड़ी करते हैं। हजार गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत मुस्कराने की है। हजारों मिठाइयां चखी हैं जमाने में, खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। यूं तो ए जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थी। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, लहजे में होती है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। विश्वास में विष भी है और आश भी है, ये स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देता। इस अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाई, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। दो पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ दो उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना खुद टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वो तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी दिमाग पे ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। इश्क में कोई ठुकरा दे तो हंस के जी लेना। दोस्त मोहब्बत की दुनिया में
जबरदस्ती नहीं चलती। बहुत बड़ी कमजोरी है मुझमें, जहां मुझे गुस्सा करना चाहिए होता है वहां मैं अक्सर रोने लग जाता हूं। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में समय लग ही जाता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना भी जरूरी होता है। जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझो कि वक्त तुम्हारा है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता यहां जिंदगी में, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। मजबूत से मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ती है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। इज्जत उसकी करी जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जो इज्जत से बात ना करे। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए। मन कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को खुश किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। नादान हैं वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। जमाने की नजर में हर वो पुरुष बदसूरत है जिसकी जेब खाली है और बेरोजगार है। छाता लगाने का मतलब ये नहीं कि आप बच गए, क्योंकि डुबाने वाला पानी सिर से नहीं हमेशा पैर से आता है। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जुबान है। रहना सभी के टच में है मगर दबना किसी से नहीं। मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है। जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा होता है
तो हाथ काले कर देता है। समाज को नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं है। अच्छी बात हो या बुरी बात, बहुत दिनों तक छुपती नहीं। जब हालातों से समझौता करना पड़ता है तब समझदार लोग भी गुनाह कर बैठते हैं। लोग भी आजकल कमाल करते हैं, अपना बोलकर इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत थी मैं सबका था, जब मुझे जरूरत थी मेरा कोई नहीं था। उस आग को बुझाना कितना मुश्किल होता है जिसमें ना चिंगारी और ना कोई धुआं होता है। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो मगर हर हाल में जमीर तुम अपना जिंदा रखो। वक्त के एक दौर में इस कदर भूखा था मैं कि कुछ नहीं मिला तो धोखा ही खा लिया। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। सरल जीवन की कामना ना करें, ये तो भगवान को भी नसीब नहीं हुआ। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। तजुर्बा कहता है बड़े खूबसूरत होते हैं वो जिनके अंदर जहर भरा होता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना सोचें, क्योंकि वो लौट कर हमारे पास ही आएगा। घमंड से आदमी फूल सकता है फल नहीं सकता। जिंदगी और शतरंज की बाजी में फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी में आपको सफेद और काले मोहरों का कभी पता ही नहीं चलता। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। शब्द भी एक प्रकार का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है बस इतना समझ आ जाए तो दुनिया में आपसे बेहतर रसोइया कोई रसोइया नहीं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा को अलग अलग समझने वाले अरबों खरबों इस दुनिया से चले गए। परमात्मा कल भी एक था और आज भी एक ही है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते हैं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं का उसे दर्शन करवाता है। मन में मेल जुबान पर मिश्री, दोगले लोगों की औकात ही इतनी। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। हो सके तो अपने तकलीफों को व्यक्तिगत रखिए। लोग समझने या मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होते हैं।
नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। लोग मिलते गए राह में, बढ़ते गए तजुर्बे जिंदगी के। मुफ्त में दुश्मनी हो जाती है साहब, यहां बेहतरीन इंसान होना भी गुनाह है। कुछ चीजें जिंदगी बदल देती हैं, मिल जाए तो भी और ना मिले तो भी। दरमियान चाहे इश्क हो, अश्क हो या रश्क हो, शर्त बस इतनी है जो भी हो सच हो। बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए जीना और फिर उसी के बिना जीना। बड़े बड़े सूरमा दब गए समय के दबाव में, पत्थर भी रेत हो गए नदी के बहाव में। परिंदे कभी एक दूसरे के पंख नहीं कुतरते, बल्कि एक दूसरे के साथ उड़ते हैं। वो खिड़की बंद करो जो आपको दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। कभी कभी हम करना तो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जब वक्त खराब हो तो वो अच्छा भी बुरा हो जाता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। कई उलझने मैंने झुककर सुलझाई है, सारे लोग कद के बराबर तो नहीं होते। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। सब पढ़ाया गया त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है कभी नहीं पढ़ाया, वो है दृष्टिकोण। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो लेकिन तकलीफ में मरहम भी बनता है। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। जहां गुंजाइशें हैं वहां प्यार ठहरता है, आजमाइश अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई उनके लिए पानी रखता है। सबसा दिखना छोड़कर खुद सा दिखना सीख, संभव है सब हो गलत बस तू ही हो ठीक। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वो चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो अथवा विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं गहरा दाग छोड़ते हैं। आपके पास क्या है लोग वो देखते हैं, आप क्या है लोग वो नहीं देखते हैं। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। किताबों से ही सीखे हैं चंद अल्फाज मैंने, आते जाते चेहरों ने कहानी लिखना सिखा दिया। बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में, उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के मुकाम में। लोगों से बुरा बर्ताव उस तरह मत करे जिस तरह वो बुरे हैं, बल्कि लोगों से अच्छा बर्ताव उस तरह से करे जिस तरह आप अच्छे हैं। जिंदगी को हमेशा एक फूल की तरह जीना चाहिए, जो खुशबू भी दूसरों को देता है और टूटता भी दूसरों के लिए। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण।
जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। समय मत लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया भी ना जाए। जिंदगी दो दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। माना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद रास्ते जो बनाए वही तो इंसान है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का डर से कोई वास्ता नहीं, ये उधर भी रख देता है कदम जहां कोई रास्ता नहीं। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के झोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको ये अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा था। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, इतना जरूर याद रखना। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों कमाता है उस एक दिन की दावत के लिए। जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो। ज्यादा दिल की गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। मौत से नहीं है डर, बस कभी कभी जिंदगी से घबरा जाती है जिंदगी। इंसान का चेहरा नहीं उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। इंसान को यूं ही नहीं मतलबी कहा जाता है, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है लेकिन कभी भुला नहीं सकता। तेरी यादों से भरी है मेरे दिल की तिजोरी, कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। बातों से दिए गए तानों के जख्म बड़े गहरे होते हैं दोस्त, कत्ल भी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी
लोगों के बिना जीना भी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है, और ये तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। इस जमाने में कीमत तो झूठे लोगों की है, सच्चे लोग यहां पर किसी को पसंद नहीं। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर भी सकते हैं और मन से भी। हम उलझे हुए हैं घर की जिम्मेदारियों में, और कुछ लोग समझते हैं हम व्यस्त हैं किसी के प्यार में। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपनों को पालते हैं तो उसके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। गुस्से में आदमी बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसको इज्जत से साथ छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का खुद हो गया, समझ लो वो बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की चलती धीमी है, पर पीसती बहुत बारीक है। न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। फिर यूं हुआ कि होठों पे मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करे भी तो किससे करे, ये दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना आ ही जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं है। क्या कहे जनाब कि अकेलापन क्यों इतना भाता है,
खुद से बातों में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन, इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकी। वो हर बार मुझे छोड़ के चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं लेकिन कोई पत्थर तो नहीं हूं। रात ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, सब सो जाए तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करे किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए, साफ दिमाग से तो शतरंज खेलते हैं। चुभता हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, तुम बताते हो जितना उतना बुरा तो नहीं हूं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वो बड़ी बड़ी बातें ना करे तो ही अच्छा है। जब कोई खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब कोई मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वो फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है मुझे, बहुत बार मैं खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समझ से ज्यादा एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है। जो सबका होने के दावे और दिखावा करते हैं, यकीन मानिए वो किसी के नहीं होते। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, तुम एक बार खैरियत पूछ कर तो देखो। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिला करते। बड़ा मजबूत कर दिया है अब खुद को, अब अपने भी दगा दे तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत है मगर करते कुछ भी नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है, सच तो ये है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है सुनसान सड़क पर जब कुत्ते घेर लेते हैं। कुछ काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। आजकल जरूरतें तय करती है लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पे निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से खुद की इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ती है, वो है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहीं रिश्ते हैं इसलिए चुप हूं, कहीं चुप हूं इसलिए रिश्ते हैं। प्यार बेशक सुकून देता है, मगर प्यार एक तरफा हो तो सारा सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो फिर भी ठीक है, मुश्किल तो तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो, कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है, किसी के मजे जिंदगी ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाते। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतरना, उतना ही आसान है दिल से उतरना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही ये आता है
फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहीं से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोचने से चिंता ही मिलती है, मंजिलें नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का बुरा सब मान लेंगे। किसी को परखने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वो तुम नहीं, उम्मीदें थी मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन से छूट रही है। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा, मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वो सब सच बता देता हूं। किस्मत खराब इतनी, जिसको चाहता हूं उसी को गवा देता हूं। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफना दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वो नाराज है हमसे, हम गलत थे, वो तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे, कमी ये रही सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो, उस काम को करने में कभी शर्म मत करना। समझना समझाना हमेशा हमारे बस में नहीं होता, कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास सदा हानिकारक ही होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना, अपने वक्त की भीख तुम्हें दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगा पाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है, छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी अहम ना करो और वहम ना पालो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा तो ये होता है कि हम किसी के गांवों पे पट्टी बांधना सीख जाए। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है, मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, मन से कोई आपको याद करे तो ये आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया है वाकिफ
मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है दुनिया का, ये दस्तूर बदलते क्यों नहीं? जिंदा से कहते हो चुप रहो और मुर्दों से कहते हो बोलते क्यों नहीं? कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं। हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है? गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन भरी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, या तो वो समझदारी होती है और या फिर कोई मजबूरी है। दुख तो कह दो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक कोई। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जमाना कितना बदल गया है, आजकल कहां किसी को कुछ कह सकते हैं। खुशी और उदासी में सिर्फ स्टेटस अपडेट करने लगे हैं लोग। आजकल कुछ भी बोलो तो थोड़ा सोच समझकर बोलना, बात जल्दी हवा में फैल जाती है और जब आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर वापस आती है। वो बात भी आ जाती है जो आपने कही भी ना हो। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। सच्ची मोहब्बत का पहला ही कदम एक दूसरे पर खुद से ज्यादा भरोसा करना होता है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो, उसमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। जमाने से मोहब्बत निभाने वालों, पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है इस दुनिया में अपना कौन है। जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थाई राहत जरूर देता है लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के देता है। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं तब से लोग दामन में अपने दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। जो शख्स मेरी हर कहानी हर किस्से में आया वो मेरा हिस्सा होकर भी मेरे हिस्से में नहीं आया। कुछ रिश्ते बस ऑनलाइन होते हैं जो नेट बंद होते ही टूट जाते हैं, पर कुछ रिश्ते ऑफलाइन होने पर भी आपके साथ रहते हैं। फैमिली उन्हीं रिश्तों से बनती है। कुछ ख्वाहिशों का कत्ल करके मुस्कुरा दो, जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तब समझ लेना आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सबको इग्नोर करो, देखना फिर सब तुम पर ही गौर करेंगे। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो। जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, बस सही लोगों से
सही वक्त पर कदर नहीं मिलती। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। हमेशा इंसान ही गलत नहीं होता, वक्त भी गलत हो सकता है। लोगों से बटकर घरों में बस गए, अब घरों में बटे हैं तो कहां जाए। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलके खराब कर देते हैं। दिल के अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। वक्त सता तो रहा है जनाब, लेकिन जीना भी सिखा रहा है। जब आपको हराने में लोग कोशिश करने के बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना कि आपकी काबिलियत अव्वल दर्जे की है। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं। बुरा वक्त भी क्या कमाल का होता है साहब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क पता करने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं ही होते हैं। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, जब भी मिलती है तो पूरी मिलती है और जब जाती है तो पूरी ही जाती है। परेशान वो है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं और प्रसन्न वो है जो अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं। रुकावट तो जनाब जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। अपना स्वभाव गर्म चाय जैसा है, जिसको समझ में आया वो आनंद पाता है और जिसको नहीं आया वो मुंह जला देता है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वो उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। रिश्तों में विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलत फहमी हो जाती है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियां बजाने वाले हाथों से बेहतर है। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। किसी को दिल में बसाना हो तो दिल बड़ा कीजिए, लेकिन किसी के दिल में बसना हो तो स्वयं छोटे हो जाइए। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। कई बार ये सोच के मेरा दिल रो देता है, मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। तुम इंसानियत कमाओ, क्योंकि पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। दो चार आंसू ही आते हैं पलकों के किनारे पे, वरना आंखों का समंदर गहरा बहुत है। जिंदगी तेरे नखरों से बेहतर तो स्कूल की किताबें ही थी, देर से ही सही समझ तो आती थी। इश्क और इबादत में इतना ही अंतर है, एक की याद तकलीफ देती है और दूसरे की याद तकलीफ में आती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर, एक को चलना है जरूर और दूसरे को जलना है जरूर। जवाब की बेताबी इंतजार को इंतहा बना देती है। कहने को तो एक लफ्ज है पर उम्र उम्मीद में गुजर जाती है। खुद को मार लेने से ज्यादा हिम्मत तो जनाब जिंदा रहने के लिए चाहिए। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास,
रिश्ते तो बिंदास ही अच्छे लगते हैं। किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दे। वक्त भी कैसी ये पहली दे गया, उलझने सो और जान अकेली दे गया। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, ढूंढते रहे उम्र भर एक शहद सी जिंदगी। ना शोक बड़े दिखने का, ना तमन्ना भगवान होने की, बस आरजू जन्म सफल हो, कोशिश इंसान होने की। दिल की बातें तो आंखों से होती है, अल्फाजों से तो अक्सर झगड़ा होता है। बिछड़ते वही है जो साथ चलते हैं, वरना आगे पीछे तो हजारों चलते हैं। दुनिया में वही शख्स है तारीफ के काबिल, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। हाथ की लकीरें भी कितनी शातिर है, कम वक्त मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। सबसे बड़ा योग करते रहिए, सुख दुख में सबका सहयोग। कब धूप चली शाम ढली किसको खबर है, एक उम्र से मैं अपने ही साये में खड़ा हूं। चुभता तो बहुत कुछ है मुझे भी तीर की तरह, लेकिन खामोश रहता हूं तस्वीर की तरह। हम खुद को बरगद बनाकर जमाने भर को छांव बांटते रहे, मेरे अपने ही हर दिन मुझको थोड़ा थोड़ा काटते रहे। ख्वाब देखा ना करो खुली आंखों से, इसकी कीमत देनी होती है अधूरी सांसों से। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। तारीफ की चाहत तो नाकामों की फितरत होती है, काबिल के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। चेहरे की खूबसूरती एक ना एक दिन ढल ही जाती है, दिल को खूबसूरत बनाइए जो मरते दम तक जवान रहता है। जिंदगी से भला क्या शिकायत करे, बस जिसे चाहा उसने समझा ही नहीं। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। अपनी पहचान के साथ जीने में जो मजा है, वो किसी और की परछाई बनने में नहीं। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है, कुछ चुभ जाती है। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी कैसे चुप हो जाते हो? मैंने जवाब दिया, कौन कितना गिर सकता है ये देखना अच्छा लगता है। मीठा सा होता है ये जिंदगी का सफर, बस कड़वाहट तो किसी से ज्यादा उम्मीद रखने से होती है। शीशा टूट कर अपनी कशिश बता देते हैं, दर्द तो उस पत्थर का है जो टूटने के काबिल भी नहीं। कमाल है, बिखरे सब अंदर से हैं यहां और संवार जिस्म को रहे हैं। जिंदगी एक किताब की तरह है, अगले पन्ने पे क्या होगा ये हमें पता नहीं, और पिछले पन्ने को हम पढ़ तो सकते हैं पर बदल नहीं सकते। ना मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहां जाते, चमन होती अगर दुनिया तो वीराने कहां जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, सभी होते अगर अपने ही तो बेगाने कहां जाते। फिक्र आगाज की ही है सबको, कोई अंजाम सोचता ही नहीं। बहुत दर्द छुपा है सीने में, पर अलग ही मजा है दूसरों के सामने हंस के जीने में। ये डूबता सूरज, ये तन्हाई और एक मैं, आखिर ये शाम ढल रही है या जिंदगी। घड़ी की टिक टिक को मामूली मत समझो जनाब, बस यूं ही समझ लीजिए जिंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी के वार हैं। लोग ही गिन लेते हैं गुनाह मेरे, फरिश्तों अब तुम ये काम रहने दो। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। कोशिशें उस वक्त बेकार हो जाती है जब ख्वाहिशों की किस्मत से हार हो जाती है। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें।
रिश्तों में झुकना कुछ गलत नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। जीवन उस बांसुरी जैसा है जिसके कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको बजाना आ गया तो जिंदगी के सारे सुर बराबर बजेंगे। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छा ही नजर आ जाए। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए कंधों पे उठा लेते हैं लोग। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल जोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। एक वो है जो देता बेहिसाब है, एक हम है नाम भी जपते हैं तो गिन गिन कर। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। उम्मीदों का सूरज डूबता नहीं कभी, सब उड़ानों की एक दिन शाम हो जाती है। कहां से चले कहां पहुंचे हम, बस इसी कश्मकश में जिंदगी तमाम हो जाती है।